जैसा कि आपको पता है कि आज डीजी सर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में पधारे हैं और क्राइम का रिव्यू लिया है, और इसमें एसपी नूरपुर, एसपी कांगड़ा और एसपी ऊना ने भी भाग लिया है। तो रेंज लेवल का रिव्यू भी हुआ है, और जो एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड्स के लिए एसआईटी बनी थी उसका भी रिव्यू लिया गया है, तो उसी से तो संबंधित आपसे बातें करेंगे। देखिए, मेरे बिल्कुल दाहिने में शालिनी अग्निहोत्री जी बैठी हुई, जो एसपी कांगड़ा है। बगल में श्री अभिषेक दुल्लर जी हैं, बाएं में श्री अमित यादव जी हैं, ये एसआईटी का पार्ट है। श्री मनमोहन एसपी साइबर क्राइम है मंडी, ये एसआईटी का पार्ट है। और श्री लोकेंद्र नेगी जी जो डीएसपी एसडीपीओ पालमपुर है, ये भी एसआईटी का पार्ट है। तो देखिए, ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत चर्चित है अभी, तो मैंने आज रिव्यू लिया। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक गोल्डन फॉरेस्ट करके एक स्कीम चलती थी, एक पर्ल ग्रीन करके चलती थी, और ऐसे ही कुछ और स्कीमें चलती थी जो फॉरेस्ट रिलेटेड थी। उसमें ऐसा था कि आपको एक भरोसा दिया दिलाया जाता था कि ये पॉपुलर के पेड़ या इस जंगलात में आपका कुछ हिस्सा है, और ये जब बन के कट के होगा तो बहुत पैसा आएगा। तो आपको याद है कि बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में सबका पैसा डूब गया। तो हमने भी रिव्यू किया, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ जो ऐसा क्राइम लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। और इसमें कुछ को पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया, लेकिन ये जो कानून है भारत का 2019 का, उसके अनुसार ना तो आप पैसा ले सकते थे, किसी डिपॉजिट कर सकते थे, ना उसको ट्रेड कर सकते थे, ना या उसमें बेसिकली आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते थे, जिसमें 10 साल की सजा है। तो मैं एसआईटी की बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे समय में, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्राइम है, इसको इन्होंने समझा और इसमें आगे बढ़े, और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीम्स भेजी है। तो मैं इसका पूरा विवरण करने के लिए मैं अभिषेक दुल्लर जी से मैं गुजारिश करूंगा, और उसके बाद जो अन्य मेरे अधिकारी हैं वो उन्होंने क्या क्या किया वो भी बताएंगे। देखिए, इस स्कीम में एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, और फिर उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ये बोला गया कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, जैसे कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। तो ये स्कीम जैसे 2018 से ही स्टार्ट हो गई थी, और उस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस भी थी वो भी राइज पे थी। तो लोगों को ये लगा कि मतलब ये जो करेंसी है ये भी राइज करेगी और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। और इन्होंने शुरू में प्रॉमिस भी किया कि आपका कुछ महीनों में पैसा डबल ही हो जाएगा। तो लोगों ने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और इसको एक एमएलएम स्कीम से इन्होंने लिंक कर दिया, जिसमें कि हर एक बंदे को अपने नीचे दो और लोगों को मेंबर बनाना होता था। तो अब जो नीचे मेंबर बनते थे वो अगेन दो दो मेंबर बनाते थे, तो ऐसे ही ट्री एक्सपेंड करता रहा। तो इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और इसके इन्वेस्टमेंट में ये था कि जो नीचे वाले इन्वेस्ट करते थे तो उसका काफी सारा परसेंटेज कमीशन की तरह ऊपर वालों को जाता था। तो जो ऊपर के लेवल पे लोग थे उन्होंने काफी पैसा इसमें कमाया, और वो ही इस स्कीम के एम्बेसडर बन गए कि इस स्कीम ये स्कीम अच्छी है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने आगे से आगे आगे से आगे और लोगों को भी इसके बारे में बताया कि इसमें पैसा मिल रहा है। तो इसमें फिर लोग भी ऐसे इस झांसे में आ गए और उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि ऊपर वाले लोगों ने काफी इसमें रिटर्न लिया और पैसा भी कमाया नीचे वालों का पैसा जो था। तो अल्टीमेटली ये एक दिस इज ए मनी सर्कुलेशन स्कीम की, जिसमें कि नीचे वालों को पैसा ऊपर वालों को जा रहा है। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो प्रोडक्ट यूज हो सकता है, ना इसमें कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ना इसकी कोई इनहेरेंटली कोई वैल्यू है कोई ये क्रिप्टो करेंसी की। तो और इसमें अब जैसे कि ये जब आगे स्टार्ट हुआ तो काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो अलग अलग जगह के ऑल ओवर हिमाचल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए इन्वेस्टमेंट में। तो अभी जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो हमने टॉप के लेवल के कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, और अभी हम इस केस की बिल्कुल बारीकी से जांच कर रहे हैं कि इसमें कैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, कितना लोगों का इन्वेस्टमेंट है, कितने डिपॉजिटर्स हैं इसमें जिन्होंने पैसा जमा कराया है, और उनको कितना रिटर्न आया, कितना उनका नुकसान हुआ है। तो इसमें हमने एक स्पेशल एक्ट होता है इसमें, उसको बोलते हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। तो
उसमें जैसे कि सर ने बताया कि उसमें 10 साल तक की सजा है, और उसमें ऑफेंस क्या है, उसमें ऑफेंस ये है कि कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं चला सकता, मतलब कि कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता कि इससे बढ़िया आपको कुछ रिटर्न मिलेगा या और मिलेगा। अगर वो करना है तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जैसे कि RBI, SEBI या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर आपको अलाउ करती हैं तभी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि बैंक होंगे या इंश्योरेंस वाले हो गए, वो ऐसा काम कर सकते हैं, बट हर कोई ऐसा, प्राइवेट लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें तो अगर आपका रिटर्न अच्छा भी आता है, इवन देन इट इज ऑफेंस, पैसा इकट्ठा करना ही ऑफेंस है। और यहाँ तो पैसा इकट्ठा किया भी गया है और लोगों को चीट भी किया गया है कि जिनके रिटर्न कोई नहीं आए हैं। तो इसमें जो SIT बनी थी उसमें काफी लोग ऑफिसर्स लगे हुए हैं और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मेरे साथ अमित यादव ये भी बताएंगे। कुछ जैसे सर ने बताया कि एक तरीका है कि क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके, क्रिप्टो करेंसीज का रेफरेंस देके ये बताना, मतलब उसका रेफरेंस देके MLM स्कीम को चलाना है। जो दूसरा पार्ट है, एक और मतलब मल्टीपल केसेस रजिस्टर हुए हैं, MLM होते मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, जैसे एमबे है, दूसरी है ना जो। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये होता है कि आप अपने अंडर किसी एक मल्टीपल लोगों को पार्टनर बनाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आप इतना डिपॉजिट दीजिए और आपको मतलब रिटर्न भी मिलेगा, प्लस आप अपने से नीचे और चेन को बनाइए। अगर आप चेन बनाएंगे तो चेन बनाने के लिए आपको अलग रिटर्न मिलेगा, उसका भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, प्लस आपका जो आपने अपना अमाउंट लगाया है उसके लिए आपको अलग से रिटर्न मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं। मल्टीपल केसेस इसमें रजिस्टर हुए हैं, कुछ केसेस जो सर ने एक्सप्लेन किए हैं, उसके अलावा कुछ केसेस हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का डायरेक्ट रोल नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, बट उन्होंने ये बताया है कि आप अगर अपना 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं तो आपको हर वीक या हर मंथ 10% रिटर्न मिलेगा, विच इज़ अलॉट। तो अगर कोई भी स्कीम ऐसी है जो आपको साल में 10% से 12% से ज़्यादा कमिट करती है, तो ये सबको वैरी रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि इतनी जो मतलब कोई भी कंपनी है वो इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं दे सकती है। जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं अपना ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इन्वेस्ट करती हैं, वो भी 10-12% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती हैं। तो जो भी लोग हैं आगे वो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि आई थिंक अभी भी ये स्कीम्स हैं जो हिमाचल में चली रही हैं, बहुत सारे कॉइन्स और भी हैं जो आ रहे हैं। तो जो भी अगर आपको साल में 10-12% से ज़्यादा अगर कोई स्कीम आपको गारंटी देने का वादा करता है तो वो स्कीम फ्रॉड होगी, ये आप मान के चलिए। तो इनमें क्या हुआ है कि जैसे तो मेरे वाले जो जो केसेस हैं उनमें सिर्फ हिमाचल के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, पूरे ऑल ओवर द इंडिया मतलब लोग इन्वॉल्व हैं, और ये लोग आपको मीटिंग्स में बुलाते हैं, आपको अपनी स्कीम समझाते हैं, और इनके प्रॉपर ब्रोशर्स भी रहते हैं। उन ब्रोशर्स के थ्रू ये बताते हैं कि ये जो कंपनी है मे बी इंडिया में कहीं रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो लोग ये चेक कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट के पास लोगों का फिर भी एक्सेस है। बट ये आपको बताएंगे कि ये कंपनी है वो UK में रजिस्टर्ड है, मे बी US में रजिस्टर्ड है, तो जिसको आप डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे ही आपसे मतलब कमिट करवाते हैं कि अपना अमाउंट दीजिए। तो इस तरह की स्कीम्स अपने अपने केसेस के बारे में बताइए मंडी के। मेरे पास मंडी में बल जो पुलिस स्टेशन है उनमें 3 केसेस हैं। तीनों केसेस में जो अक्यूज हैं, डायरेक्टली जो अक्यूज हैं वो देरा यहाँ कांगड़ा के हैं, बट वो फर्दर चेन का पार्ट हैं और उसके जो आगे के लोग हैं वो राजस्थान से, दिल्ली से, वहाँ से कनेक्टेड। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और मतलब जल्दी ही उनमें भी एरियाज में रेड की जाएगी। मनमोहन हमारे SP साइबर क्राइम मंडी हैं, तो आप अपने केसेस का बताइए, फिर मॉडस ऑपरेंडी बताइए। जो सर ने बताया, जो ये जो पालमपुर में जो SIT इन्वेस्टिगेट कर रही है उसी का एक ऑफशूट या फिर मेन जो पार्ट था, मंडी में भी, मंडी में से ही शुरू हुआ था। जो सुभाष हेमराज वगैरह वहीं के रहने वाले थे, तो वहाँ साइबर पुलिस स्टेशन में भी एक उसी के रिलेटेड केस, स्कॉर्पियो, बोस्क्रो, बिटपेड और जो उनके DGT वगैरह कॉइन्स लॉन्च किए गए थे उनके रिगार्ड में था, जिसमें कि शुरू में तो लोगों को कुछ रिटर्न्स मिला था जो शुरू में चेन में इन्वॉल्व हुए थे। सब्सिक्वेंटली जब चेन लंबी हो गई और वो चेन आगे मेंटेन नहीं हो पाई तो उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिले और लोगों का जो भी पैसा लगाया गया था वो सारा उसमें डूबना शुरू हो गया। तो उसके रिलेटेड हमीरपुर रीजन, बिलासपुर रीजन, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, यहाँ से भी कुछ कंप्लेंट्स थी जो हमारे पास आई थी। तो जो सर की जो मैन इन्वेस्टिगेशन या पालमपुर में हो रही थी उसके चेन से रिलेटेड उस रीजन के जो केसेस हैं और जो वहाँ से लोग संबंधित है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है उन सबको हम देख रहे हैं, और उन सब की जो भी आगे
फाइनेंशियल एसेट्स जनरेटेड है, किन अकाउंट्स में दिया है, और जो भी पूरी तफ्तीश करके जल्दी कंक्लूड। आपने क्या पाया है वो भी बता दो। उसमें ये पता चला है कि ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि शुरू के लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले थे, तो वही जो सर बता रहे थे कि वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे एक्ट किए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी उस चैन में शामिल किया, और बल्कि लोग वॉलंटरी उनके रिटर्न्स देके, कि जो कई बार उनको सच में कैश में या किसी काइंड में रिटर्न मिला था, कभी वो उसको सिर्फ कॉइन में देख रहे थे कि जी मुझे मेरे इतने करोड़ रुपए हो गए, इतने USDs हो गए, जो कि प्रिज्यूम्ड कि मुझे गेन हुआ है, उसी के झांसे में आके अपने लोगों को और आगे लोगों को जोड़ते जा रहे थे, और उसी चेन में उन्होंने, कईयों ने तो 1000 लोगों तक की आगे की चेन बना ली, और जो कई लोगों ने इवन अपना घर, पेरेंट्स से पैसे लेके, लोन लेके, या फिर कहीं से भी किसी भी तरह से करके, कि उनको सबको ये उम्मीद थी कि आज मैं अगर लोन लेता हूँ और घर का काम अगर एक साल के लिए डेफर कर देता हूँ तो इतने में मेरा अमाउंट डबल हो जाएगा, तो मैं लोन भी रिपे कर पाऊंगा और अपने पैसे से ही घर बना पाऊंगा। तो उसी उम्मीदों पे बहुत से लोगों ने अलग अलग मीन से पैसे कलेक्ट करके इनमें इन्वेस्ट किए, और जब उनको एग्जिट करने का भी मौका था तो उन्होंने उसको एग्जिट ना करके री इन्वेस्ट किया, कि और ज़्यादा रिटर्न हाई लेने के चक्कर में, और उसी चक्कर में वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाते रहे, और कई लोगों ने तो लगभग लाखों में और कईयों ने करोड़ों में तक आगे अपने फैमिलीज का इन्वेस्ट करा दिया। तो अब उन्हीं के जो, क्योंकि अब उनको, उन्होंने जो पैसा लगाया वो इस उम्मीद पे लगाया कि मेरे से ऊपर जो चेन वाला व्यक्ति है वो मेरा जान पहचान वाला है, और उसने एश्योर किया था कि रिटर्न मैं आपको वापस करने की रिस्पांसिबिलिटी मैं देता हूँ। कई जगहों पे उन्होंने चेक्स भी दिए हैं, कई जगह प्रॉपर्टी के पेपर भी दिए हैं वगैरह, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को चेक कर रहे हैं। पर वही है कि जहाँ भी हाई, जो सर कह रहे थे कि हाई रिटर्न की जहाँ बात आती है तो उसको एक बार चेक करना जरूरी है, और उसमें लालच में या ग्रीड में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार किसी, मतलब जो भी व्यक्ति है, जो रेगुलेटर्स है, बैंकर्स है, या पुलिस वालों से किसी से जाके बात करके कंफर्म करके ही इन्वेस्ट करना ज्यादा लॉजिकल चीज है। थैंक यू। लोकेंद्र, DSP पालमपुर ये बताएंगे। मैं आपसे बात करूंगा, हमारे पालमपुर पुलिस स्टेशन में 24 सितंबर को FIR 120/23 इनिशियली 420 IPC में रजिस्टर हुई थी, जिसमें कॉर्बियो, हाइपरनेक्स्ट और इन सभी कॉइन्स को लेके FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें 18 करोड़ का घोटाला बताया गया था। इसमें फिर जब SIP फॉर्म हुई तो 26 को हमारे सीनियर ऑफिसर्स के आदेश पे हमने इस पे काम करना शुरू किया 26 सितंबर को, और फिर जो मेन अक्यूज थे हेमराज और सुखदेव, इनकी जीरोइंग हमने टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर की, तो इनकी जो लोकेशन है वो हमें गुजरात में मिली। फिर सीनियर ऑफिसर के असिस्टेंट से हमने इनको गुजरात पुलिस की हेल्प से वहाँ डिटेन किया, और फिर वहाँ से इनको इन्वेस्टिगेशन जीरकपुर में ज्वाइन करवाई, और फिर इनको 2 तारीख को हमने इनको जीरकपुर में अरेस्ट किया है। और इनके जो प्रेमिसिस की सर्च में हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं, इनके लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और पासबुक, चेकबुक्स हमने सीज की हैं, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनके व्हीकल्स, मर्सिडीज गाड़ी है, एक टाटा हिटाची एक्सकेवेटर है, और कुछ एक इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता लगा है। और इस दौरान हमने इनके 10,000 के करीब USDT जो करेंसी है वो सीज की है, और गवर्नमेंट वॉलेट में उसको डाला है, और कुछ एक हमें जो इनका डाटाबेस हमें जो इनसे मिला है, जो इनके मोबाइल से इनकी जो लाइबिलिटी दोनों अक्यूज की लगभग इन्होंने क्लेम किया है 400 CR के करीब, इन्होंने खुद अपने पास लाइबिलिटी को माना है, और अब उस पर जो इनके इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जो शुरू में इनके बेनिफिशरीज थे, उनके प्लेसेस पे रेड करके और उनकी जो प्रॉपर्टीज की सर्च और सीजर्स की जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, इनकी जो PC जो हमें मिली थी लगभग 7 दिन की मिली थी, उसके बाद अब ये JC में चले गए हैं, और फर्दर जो इनके और एसोसिएट्स थे उनको ट्रेस आउट करके उनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ट्री के बारे में बताइए। वो जो इनिशियली जो इनका ट्री था, इनके ट्री को हेड कर रहे थे सुभाष, जो कि अभी एब्सकॉन्ड बताए जा रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री बताए जा रहे हैं। इसके इनके नीचे जो हेमराज, ये अपना सुखदेव और तीसरा अभिषेक, ये 3 लोग थे, और फिर इसके इनके नीचे फिर चेन्स 2 साइड को, जैसे डेई साहब बता रहे थे, इनकी 2 साइड पे चेन चलती थी, और उसी तरह से नीचे मेंबर्स बनते जाते थे।
जो नीचे मेंबर्स जोड़ता था उसका कुछ बेनिफिट्स जो है ऊपर वालों को भी मिलता था, और जो ये पैसा जो भी आदमी लगाता था उसको क्वाइंस के फॉर्म में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शो करता था कि आपको आपको 500 यूएस डॉलर्स के आपको इतने क्वाइंस मिलेंगे, और उसकी मार्केट में वैल्यू ये अपने लेवल पे ही घटाते और बढ़ाते रहते थे। और अभी तक जो हमें इनसे डिजिटल रिकॉर्ड मिला है, मोर देन 2.5 लाख आईडीज इन्होंने लोगों की लगाई है। सर बाकी तो डिटेल्स केस की शेयर टीम ने करी है सर। मैं विद एक्सपीरियंस यही कहना चाहूंगी कि ये जो चेन है, जो लोग इसमें लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रपोजिशंस देते हैं, वो बार बार इन कॉइन्स का नाम चेंज करते हैं और हर बार ये प्रॉमिस करते हैं कि जो अगला कॉइन या अगला जो स्कीम है वो पिछले वाले स्कीम से बेटर है और आपके लॉसेज जो है वो हम वहाँ से कवर कर देंगे। तो आपने जैसे नाम सुने कॉर्बियो, डीजीटी, हाइपनेक्स, तो ये इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम से एक ही स्कीम को पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं कि ये एक बेटर ऑप्शन और बेटर स्कीम अब हम लेके आए हैं। और आज की डेट में भी हो सकता है मार्केट में इस तरह के प्रॉमिसेस जो हैं हो रहे हों या अभी इस तरह की, तो आपके माध्यम से प्रोबेबली पब्लिक में ये मैसेज जाना ज़रूरी है कि जो इस तरह की स्कीम्स हैं और इस तरह के जो प्रोमिसज हैं उनको ज़रूर मतलब उसमें इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये एक केस है जो कि स्टेट वाइड नहीं नेशन वाइड, जैसे बीच में बताया भी गया है, इसमें जो नेशन वाइड एक तरह से स्कैम ये हुआ है और अभी भी ऐसे लोग एक्टिव हो सकते हैं हमारे बीच में, तो इसके लिए आप सचेत रहें और अपने इन्वेस्टमेंट और हार्ड अर्न मनी को जो है पब्लिक फोरम्स और पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उन्हीं में सोच समझ के इन्वेस्ट करें। रेस्ट ऑफ दी टीम ने ब्रीफिंग कर दी है और आगे मुझे उम्मीद है कि इसमें फर्दर और जो लोग हैं शामिल उनको भी एसआईटी की जो टीम बनी है उसके द्वारा जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट करके लॉजिकल कंक्लूजन पे। तो मैं अभिषेक जी को बोलूंगा कंक्लूड करेंगे फिर ये सब ने। तो सर मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि ऐसी स्कीम जो हमने आपको बताई, ऐसी और भी स्कीमें हो सकता है कि चल रही हो, तो इसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आना अगर ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहा है तो, और आपको बोल रहा है और नीचे अपने बंदे जोड़ो और उनको बोल रहा है और नीचे अपने बंदे जोड़ो, तो वो और कोई स्कीम नहीं है, नीचे वालों का पैसा ऊपर वालों को जा रहा है, तो इसमें सचेत रहने की जरूरत है सब लोगों को। अभी तक दो लोग इसमें अरेस्ट हुए थे जो कि पहले पुलिस रिमांड पे थे और उसके बाद अभी जुडिशियल कस्टडी में है। यानी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके जरिए आगे कोई और भी है? नहीं, हाँ वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट नाम आए हैं तो उनके पीछे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी, बट अरेस्ट तो अभी दो ही हुए हैं। मनी कितना रिकवर हुआ सर टोटल, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर हुआ है उनसे? देखिए जो उन लोगों ने जिन्होंने पैसे कमाए उन्होंने अपने कुछ एसेट्स बनाए हैं उसके, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन में ये होगा कि उन एसेट्स को हम सामने लाएं, अगर वो कैश भी है तो उस एसेट का भी ट्रेस करें। एसेट ट्रेसिंग है इसमें कि जो पैसा उन्होंने कमाया उससे उनको उसका क्या यूज़ किया, उससे क्या एसेट बनाया, कि उसने क्रिप्टो करेंसी में और इन्वेस्ट कर लिया, कि बिटकॉइन बनाया, कि उसने परचेज किया कोई फ्लैट या कोई लैंड वगैरह, तो उस एसेट को आइडेंटिफाई करना है हमको और उसको सीज फ्रीज करना है और उसका बाद में अटैचमेंट होके उसके बाद में फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है और उससे डिपॉजिटर का पैसा रिकवर भी हो सकता है। सर जिन लोगों ने इसे इन्वेस्ट किया है सर, ये दो लोग जो गिरफ्तार हुए कहां से हुए सर ये गिरफ्तार बताओ? प्लेस जीरोपुर है। इनिशियली इनको जो डिटेन किया गया था वो गुजरात में किया गया था, फिर जो इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई गई है अपने जीरकपुर में, और जीरकपुर में इनको अरेस्ट किया गया है 2 अक्टूबर को। सर अभी बाहर हिमाचल का कितना पैसा इन लोगों ने लगाया था और कितनी आईडीज जो है वो तो बताया इन्होंने, 2 लाख कितने आईडीज? अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख आईडीज इसमें लगी हैं और जो इसमें जो फंड्स हैं लगभग 2000 सीआर के करीब हैं, लेकिन जो उसमें काफी लोगों को रिटर्न्स भी जा चुकी है, जो इन लोगों ने अपनी लाइबिलिटी जो मानी है 400 सीआर के करीब इन लोगों ने अपनी लाइबिलिटीज मानी है। वैसे ना इन्होंने आईडी बनाते रहे, कुछों को पैसा देते रहे ताकि मार्केट में कॉन्फिडेंस है। अभी जो लायबिलिटी कह रहे हैं इंटरोगेशन से पता लगा 400 करोड़ की है, तो वो लायबिलिटी इनकी जो प्रॉपर्टी को पूरी मैप करके चिन्हित करके उसको हम सीज करेंगे, उस लायबिलिटी से फिर आगे जिनका पैसा देना है देनदारी है वो करवाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जैसे अभिषेक ने बताया कि एक ये स्पेशल एक्ट है,
तो स्पेशल एक्ट के स्पेशल जज है और इसके स्पेशल जज सेशन जज शिमला है, तो सारी अब आगे की कार्रवाई वही होगी। एक तो 420 है और एक जो डिपॉजिटर्स वाला एक्ट है उसकी कार्रवाई सारी शिमला में होगी। तो अब जितने भी हम एक्यूज पकड़ेंगे, जितने भी मुर्जिम पकड़ेंगे, हमको उधर ही पेश करने पड़ेंगे। अभी जो रिमांड में भी भेजे हैं तो जो सेशन जज शिमला के ऑर्डर से ही भेजे हैं। सर, इस सभी मामले में बैंक का बड़ा रोल है सर। बैंक में सभी ट्रांजेक्शन डिजिटल हो रही है और इसी वजह से बैंक का भी एक बड़ा रोल आता है सर। तो क्या आपकी तरफ से बैंक्स के लिए हिदायत है और कोई कार्यवाही भी हुई है सर बैंक्स की तरफ से, क्योंकि हो सकता है फेक अकाउंट्स हो, 2.5 लाख आईडीज आप बता रहे हैं कि यूज नहीं है सर। देखिए ऐसा है, जैसे जब ये केस हुआ था, एसआईटी बनी थी, तो हमको लगा था कि प्रॉब्ली एक नॉर्मल केस होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, ये बड़ा केस है। और इसमें अभिषेक ने बताया कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी, क्योंकि इसको हम पैन नंबर के साथ मैप करेंगे तभी पता लगेगा। दूसरा है कि ये हम एक वित्त मंत्रालय में होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम का, प्रॉपर्टी का सिस्टम का सब नॉलेज उन्हीं को होता है, तो हमको उनको भी रेफर करेंगे ताकि ये पूरी जो फाइनेंशियल मैपिंग है वो कर सकें, उसके बाद ही इसमें पता लगेगा। थोड़ा सा हमको अनुभव भी है इसका, जैसे मानव भारती का जब केस हुआ था तो हमने भी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या FIU जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको भेजा था, तो उसने करीब 200 से ज़्यादा अकाउंट उनके बताए थे, तो तभी पता लगा किस अकाउंट में कितना पैसा है। वो कार्रवाई जारी है, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है, और काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन है। मॉडस ऑपरेंडी जैसे मेरे अधिकारियों ने बताया, जो वारदात करने का तरीका है बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा अनोखा है, इसलिए शुरू में हमको भी थोड़ा सा समझ आने में समय लगा, लेकिन अब हमने एक केस पकड़ लिया है और इसमें गति पकड़ ली है इसने, और धीरे धीरे करके हम सब जितने हैं इसमें मुलजिम उन तक पहुंचेंगे और उनको सलाखों के पीछे बंद कराएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कराएंगे और जिसकी जो बाकी देनदारी है उनके थ्रू करवाएंगे। सर, मुख्य आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, लालच बस ही कर रहे थे, कैसे कहीं ना कहीं वो भी तो इसमें जो उतने ही दोषी हैं, क्योंकि वो भी तो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको क्या वो पैसा वापस दिया जाएगा या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी सर, उस पर क्या? देखिए, हमारा काम तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है, हम एक फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है, मतलब हम बैंक नहीं है, हम पैसा मतलब हम क्रेडिट और डेबिट नहीं करते। हमारा काम तफ्तीश करना और जिन्होंने जुर्म किया उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और लेकिन इस प्रेशर से क्या होता है कि काफ़ी जो मुलजिम है वो अपना पैसा लुटा देते हैं ताकि मैं केस में ना फंसूं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये लेन देन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि दिस इज इलीगल और अनएथिकल। हमारे पास केस आया है क्योंकि जो विधानसभा में जब ये प्रश्न उठा और विधानसभा में डिप्टी CM साहब ने SIT का गठन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया है, तय तक पहुंचने के लिए किया है, तो हम वो करेंगे। आपको जैसे मेरे कुलीग ने बताया, ये सोमनाथ गुजरात में थे, गंजे होके वेशभूषा इन्होंने बदल रखी थी, हम वहाँ से पकड़ के लाए। सुभाष भी कहीं विदेश भागा हुआ, वहां से भी पकड़ के लाएंगे। हम सबको जो जितने शातिर हैं इनको पकड़ के लाएंगे, इनको सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जैसे मेरे कुलीग्स बता रहे थे कि नए नए जो है ना डिजिटल करेंसी उसके झांसे में ना आए, चलो इसमें नहीं मिला तो नया स्टार्ट किया इसमें बन जाएंगे, उसके झांसे में आ रहे, ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार चेन टूटेगी और जो ऊपर वाले जब सारे गिरफ्तार होंगे तब उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम बैठेगा। सर, इस मामले के अलावा अगर बात की जाए, पिछले दिनों खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा गया था, उस मामले में अभी तक कहां तक पहुंची सर? बताएं। सर, उसमें कुछ एविडेंसेस पे पुलिस काम कर रही है सर, जैसे CCTV फुटेजेस कलेक्ट किए गए थे और एक दो टीम्स स्टेट के बाहर भी एक्टिव है, तो उम्मीद है कि जल्दी उसको हम ब्रेक कर लेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह या कोई उसमें किस तरह की प्रोग्रेस है?
कौन सा मामला? सर एक अकाउंट का मामला नहीं सर, इसमें 450 से अधिक जो ब्रांचेस थी खोली गई, एक अकाउंट बैजना थोड़ा ऑनलाइन बेटिंग, हाँ ऑनलाइन बेटिंग का जैसे इन्वेस्टिगेशन अभी उसमें चल भी रहा है, और उसमें जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, करीब 94 बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज जो है सीज करी है, और लगभग इतना ही अमाउंट ऑलमोस्ट 94 CR के करीब जो है अकाउंट फ्रीज करके बैंक्स में प्रॉपर्टीज उनको हमने फ्रीज सीज प्रोसेस चला है, और उसमें लगभग अभी तक जो है 29 लोग जो है अक्रॉस कंट्री जो है अरेस्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट हुए हैं। अभी उसमें कुछ लिंक्स जो हैं फॉरेन अकाउंट्स के और फॉरेन कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारे पास आए हैं, जिन पे पुलिस आगे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको हमने ED को भी रेफर करा है, हालांकि उनसे अभी हमें कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन प्रोबेबली ED भी इस केस को टेक ओवर करे तो नेशन वाइड इसमें इन्वेस्टिगेशन। एमके मेहता का आज की डेट में क्या स्टेटस है उस केस में, और डी कंपनी के साथ ये कितना लिंक होता है या क्या एविडेंसेस पुलिस के पास? देखिए शंकी मेहता जो है इसमें मेन एक्यूज्ड है, क्योंकि जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि फेक अकाउंट्स या एक अकाउंट्स जो लोकल एरिया में डेवलप हुए थे, उन अकाउंट्स की जो यूजर आईडी और पासवर्ड जिसको हम कहते हैं या ATM के जो पिन हैं, वो शंकी मेहता जो है उन्होंने, बैजनाथ के जो रहने वाले हैं उन्होंने उसको 10,000 रुपीज़ दे के 15,000 रुपीज़ दे के लोगों से वो क्रेडेंशियल्स अपने पास रख लिए थे, और उसी बैंक के अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन हुई जिसको हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। अब हम उस लेवल से काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं, तो शंकी मेहता इज़ पार्ट ऑफ अ चेन जो कि नेशन वाइड है, और ये इस तरह से बैंक अकाउंट्स फॉर्ज तरीके से खोलने का जो काम है सिर्फ हिमाचल में नहीं हुआ, ये पूरे नेशन वाइड जो है बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे खुले जिसमें एक्चुअल जो यूज़र है और जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है वो दोनों अलग एंटिटीज़ हैं, और जैसे करंट अकाउंट्स भी बने हैं जिसमें लगातार जो हैवी अमाउंट्स जो है पैसों का ट्रांजेक्शन होता रहा है, आता रहा है और जाता रहा है, तो उस एंगल्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब शंकी मेहता का जो इनिशियल स्टेटस था कि वो इस चीज़ का सरगना है, अब हम कह सकते हैं कि उसके जो अबव लेयर्स हैं वहाँ तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ से रेड्स करके जो लोगों को अरेस्ट किया गया। दुबई से भी इसका कुछ संबंध है? दुबई से ऑपरेट ऐसा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में दुबई और अर्मेनिया दो कंट्रीज का नाम इसमें आया है, और कुछ जो फॉरेन कंट्री कोड टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो हमने वर्कआउट करे, लेकिन क्योंकि आजकल IP रेट्स होंगे वो टाइम टाइम हम आपसे शेयर करेंगे। प्रदेश में चिट्टा, अवैध शराब, हथियार, खालिस्तान मूवमेंट जैसे नारे और क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऐसी चीज़ें अभी हाल ही में मामले ज़्यादा सामने आए हैं, आपको क्या लगता है ये आजकल में ज़्यादा सामने आया है कि पुलिस की जो सतर्कता है वो बढ़ी है? देखिए हमारी पुलिस एक तो बहुत प्रोफेशनल हो चुकी, सतर्कता बढ़ी है, और ऐसे केस हमारे राज्य में ही नहीं हो रहे, बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम डिलीजेंट हैं, मतलब ना इंडस्ट्रीज से हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, जिसकी वजह से ये पकड़े जा रहे हैं। दूसरा अभी है, जब हमने क्राइम मीटिंग ली तो SP ऊना और SP कांगड़ा मेरे को बोल रहे थे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स या इकोनॉमिक क्राइम्स हिमाचल में एकाएक बहुत बढ़ गए, वो बता रहे थे कि ऊना में पिछले साल 80 करोड़ के इकोनॉमिक क्राइम हुए थे और इस साल 20 करोड़ के हैं, एक नई चुनौती बढ़ता जा रहा है। दूसरा है कि आप हम किसी आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ना, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड है, मोबाइल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, हमारी 352 किलोमीटर सीमा पंजाब के साथ लगती है, 216 किलोमीटर हमारी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, तो हम अछूते नहीं रह सकते, लेकिन हमारी पुलिस दिन रात काम कर रही है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं, और जितना पकड़ सकते हैं पकड़ रहे हैं, और उनको सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं। आपको जान के ये होगा कि जब मंडी में हूच ट्रेजेडी हुई थी, उसके सारे के सारे सरगना हमने 72 घंटे में जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाले थे, और वो कई साल जेल में रहे फिर, और ऐसे ही जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे वो हम पकड़ के, जैसे पहले भी खालिस्तान के यहाँ लिखे थे उनको पकड़ा था हमने, वो कई महीने जेल में रहे, तो हमारी चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ गई है, और फिर भी हम क्राइम से एक या दो कदम आगे हैं। हाल में ही मैं बताऊँ आपको कि एक दीनानगर में एक कार जैकिंग हुई थी, और वहाँ क्रिमिनल्स ने एक आदमी को सर पे मारा भी, खून वून बहुत निकला, और कार भगा के ले गए, लेकिन हमारे SP
नूरपुर और उनके अधिकारी मौके पे थे, उन्होंने नाका लगाया, ना केवल कार पकड़ी, वो तीन लोग पकड़े गए और साथ के साथ उनके साथ हथियार भी पकड़े गए। तो चुनौतियां तो हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारी सक्रियता भी बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा हमारी फोर्स अलर्ट है और एक्टिव है और मतलब कोई मौका छोड़ती नहीं है। आप देखिए ये लोकेंद्र नेगी वगैरह यहाँ से गुजरात जाके दो सरगनों को पकड़ के लाए, हालांकि उन्होंने भेष बदल लिया था, बाल कटवा लिए थे, गंजे हो गए थे, लेकिन उनको कॉलर से पकड़ के लाए। तो बाकी भी जो सुभाष वगैरह भी जहाँ भी होंगे दुनिया में उनको वापस लाएंगे। सर, हिमाचल पुलिस में वर्तमान में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, अगर मैं थाना और इनकी बात करूँ तो ये कब तक पूरी होगी, क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ स्टाफ की कमी जो है वो सबसे बड़ी हर्डल है। देखिए अभी हाल ही में 10 तारीख को DCSP कॉन्फ्रेंस हुई थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, और ये हमने मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और उन्होंने बोला कि आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी क्षमता भी बढ़ाएंगे, आपकी मोबिलिटी भी बढ़ाएंगे और आपको जो कानून के जो हथियार हैं, जो कानून हैं, नए से नए बनाएंगे जिससे कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित अपराध से आप निपट सको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, मेरे को लगता है जल्दी होगा। अभी सरकार ने 1226 की भर्ती अनाउंस की है और उसका भी कार्यक्रम शीघ्र होने वाला है। हाल ही में हमारे 1100 जो कांस्टेबल्स थे अभी ड्रो से पास आउट हुए 1 तारीख को और वो भी हमारी फोर्स में सम्मिलित हो गए। मेरे को लगता है अगले 6 महीने 1 साल में धीरे धीरे करके ये काम होता रहेगा। सर, क्रिप्टो करेंसी के मामले में SIT ने बहुत अच्छा काम किया है। हिमाचल में सर एक पुलिस भर्ती का मामला हुआ था, उसकी जांच कहां तक पहुंची? वो CBI के पास है, मतलब हमने ऑलमोस्ट देखिए जब हमने 251 के करीब लोग अरेस्ट किए थे उसमें और हमने चार्जशीट भी दायर कर दी। CBI ने उसके बाद टेक ओवर किया, उन्होंने भी FIR किया, लेकिन मतलब हमने ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर दी थी तब, तो वो उसी स्टेज पे है, अब उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा कोई और गिरफ्तारियां हुई नहीं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करवा दी थी। CBI से नहीं सर कोई उस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था और सीधी सीधी सवाल उठ रहे थे, तो कोई? देखिए मैं ऐसा, आप बोल रहे हैं कि DG अपने वो कर रहा है, लेकिन मैं ये बताने बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ। एक स्कॉलरशिप स्कैम हुआ था SC ST, वो बहुत बड़ा स्कैम था। नॉर्मली केस जाते थे CBI को, CBI ने रिक्वेस्ट किया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के हमको इंस्पेक्टर दो, तो वो तो 10 की मांग कर रहे थे, हमने 4 दिए, तो हमारे लोग CBI में जाके आज के दिन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मतलब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है हिमाचल प्रदेश पुलिस की निष्पक्ष है, अच्छी है, प्रोफेशनल है, हर मामले में सही उतरती है, कोर्ट में भी उसका सही आकलन होता है। तो आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल फोर्स है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो काम करते हैं वो ठीक करते हैं। सर मैं ये कह रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी हिमाचल की जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव है और काफ़ी यानी कंपेटिबल अगर अदर स्टेट को देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वेलफेयर की अगर बात करें सर अपने जवानों को लेकर और उनको अगर हमेशा ही हमें एक्टिव रखना है तो उस पर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पुअर लगता है सिचुएशन, इसलिए क्योंकि सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका अगर देखा जाए तो HRA राशन ये सब महंगाई के दौर में क्या है सर? देखिए ऐसा है कि अभी जैसे मैंने बताया था, अभी मुकम्मल हुई DCSP कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया था, एक तो राशन मनी का और ये जो 13वें महीने की तनख्वाह है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और सहानुभूति पूर्वक इसमें कोई निर्णय लेगी। हम तो बड़े होपफुल हैं, हमारी तो बहुत अच्छा है। चौबीस घंटे काम करते हैं सर, वीकली ऑफ तो कम से कम उनको यार मेरे को भी जिस दिन वीकली ऑफ हो जाएगा मैं उनको भी दे दूंगा। मतलब ऐसा है 24/7 है इनको, तो फिर भी कुछ वो स्पेशल लीव वगैरह मिलती है, हमको तो वो भी नहीं मिलती। तो अब ये है कि काम है तो करना ही है और वीकली ऑफ मे बी जब अपराध कम हो जाएगा, फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, काम कम हो जाएगा, तब हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि ये तो वीकली ऑफ की बात करते हैं, ये
आज हमको इनाम भी मिला है, हिमाचल पुलिस को मिला, हमारे कुछ एसपीओ को मिला, एसपी एसडीआरएफ को मिला। तो हम तो अपने घर जा सकते थे कि आपदा तो आपदा है, लेकिन आपने देखा होगा हर जवान हमारा खड़ा रहा और उसने लोगों को भी बचाया, जान बचाई, माल बचाया। और मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है ये कह के कि भारत के जो एनएसए साहब है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोवल जी, उनसे एप्रिसिएशन हमको मिला, इंडियन आर्मी के जनरल से मिला हमको, तो ये तो काम करने पे ही मिला। मैं उस दौरान कुल्लू मनाली वगैरह गया था, वहाँ तो इतना भयंकर स्थिति थी, लेकिन उसके बीच में भी जो लोगों की जान बचाई, माल बचाया, साथ के साथ जितना भी ट्रैफिक की व्यवस्था थी जो अगर राज्य को चालू रखा तो हमारे जवान से लेके सारे अधिकारी थे, तो मैंने, मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा काम किया। सर एक अहम सवाल रहेगा, अगर जनता की सुरक्षा की बात की जाए तो हिमाचल पुलिस काफी अच्छा कार्य कर रही है, साथ ही साथ खेलों में भी जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आपको लगता है कि इस प्रकार से विभिन्न खेल हैं तो पैराग्लाइडिंग में भी जो है हिमाचल पुलिस को उसमें करना चाहिए, जो जवान पैराग्लाइडिंग करते हैं उसमें भी एक खेल को ऐड करना चाहिए? आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम करेंगे। देखिए किसी वजह से हमारा हर साल ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी और स्पोर्ट्स मीट होता था, दो साल तो कोरोना रहा, पिछले साल फिर इलेक्शन हो गया, इस साल हमने प्रपोज किया है कि दिवाली के बाद धर्मशाला में करेंगे, क्योंकि हर साल यही करते थे और मुझे आशा है कि इस बार करने के बाद इसमें नया टैलेंट जो है, प्रतिभा भी उभरेगी। तो हम कमिटेड हैं नए स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो निष्ठा होती है ना, अभी एक रैंगलर करके कंपनी है, रैंगलर, कई लोग रैंगलर की जीन्स भी पहनी होगी, तो काफी लोग कुल्लू मनाली में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तो उनके जो सीईओ थे बेंगलोर से आए, वो भी ट्रैकिंग पे आए और वो लापता हो गया 28 को, और वो काफी वेल कनेक्टेड थे, काफी लोगों के फोन आए, लेकिन हमारी टीम एसपी पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट 5 दिन उनके पीछे ढूंढती रही, और उनकी बॉडी फिर करीब 1000 फीट एक गॉर्ज में ना मिली, और वहाँ तक नीचे जाना ऑलमोस्ट असंभव था, लेकिन गए, उनकी बॉडी हमने रिट्रीव की और उनके परिवारजन को दी। तो ये जो कमिटमेंट है ये बहुत हाई लेवल की है आज के दिन में हिमाचल प्रदेश पुलिस की, और ये एक प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है, और हम मतलब किसी भी चीज़ के अंजाम तक पहुँचते हैं। देखिए ऐसा है कि जब शुरू में कुल्लू में इवैक्यूएशन हुई, 70,000 के करीब लोग इवैक्यूएट हुए, 11-12,000 गाड़ी हुई, ये तो भारतीय थे, करीब 1000 विदेशी भी हमने इवैक्यूएट किए, और ये 29 देशों से थे, कुछ तो जैसे इजराइल है, अमेरिका है, रशिया, इनके तो बड़े नंबर्स थे, लेकिन कई देश थे जैसे कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इनका एक एक था, और दूर दराज थे, कोई ट्रैकिंग कर रहा था, कोई किन्नौर में था, कोई लाहौल स्पीति का, लेकिन हर एक को पहुंच के हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जवान ने बचाया, उसको रेस्क्यू किया, रिट्रीव किया, और उसको अपने मुकाम तक सुरक्षित पहुंचाया। तो ये तो मैं भी बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं, और ये लोग हैं, इसमें कई वीआईपीज के बच्चे थे, कई ऑर्डिनरी बच्चे थे, हमने तो सबको बचाया। तो आज एक जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक प्रोफेशनलिज्म है, जो हमारा ना बेसिकली सत्यनिष्ठ जो लोगो है हमारा, निर्भय, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ, तो उस पे बिल्कुल खरी उतर रही है। सर लास्ट क्वेश्चन, हमास और इजराइल का युद्ध लगा है और हिमाचल में भी दो स्थान ऐसे हैं, धर्मकोट और कठोर वैली, जहाँ इजराइलियों का बहुत ज्यादा आना है, तो उसका कितना इम्पैक्ट था और वर्तमान में क्या स्थिति है इजराइलियों की? देखिए ऐसा है कि जब हमने, जैसे ही हुआ था तो हमने इनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, टोटल 483 हिमाचल में इजरायली थे उस दिन, और हो सकता है कि अब कुछ वापस चले गए हों, और सबसे ज़्यादा इसमें कुल्लू में थे, उसके बाद कांगड़ा में थे, और फिर मंडी में भी थे, जो 483 लोग थे, और आपको बाद में पता लगा, लेकिन हमने इनकी सुरक्षा की व्यवस्था तब से ही कर दी जब से ये युद्ध चालू हुआ। थैंक यू सर।